एक महात्मा मुझे याद आ गई, पहाड़ के ऊपर तपस्या कर रहा था। बहुत दिन हो गए, वर्षों निकल गए, न गांव में जाए, न कहीं कुछ खाना लेने जाए, न इधर उधर भटके, बस तपस्या में लीन। जो कोई व्यक्ति आए उससे बात भी नहीं करे। गांव नगर के लोग पूछे, महाराज जी कोई सेवा हो, कोई इच्छा हो, आज्ञा करें, बोलते रहे। वो कुछ किसी से कुछ साधना को बड़ी सावधानी से कि एक एक कदम बड़ा सोच समझ के रखना है। इस उद्देश्य से बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ रहा, नाम का सुमरण चल रहा। बैठे बैठे मन में विचार आया कि मैंने बचपन में कढ़ी खाई थी और वो बहुत अच्छी बनी थी, मुझे कढ़ी खानी चाहिए। ध्यान के अंदर उठा एकदम से, हो गया। तो फिर दूसरे दिन फिर बैठा, मन के अंदर फिर वही विचार आया कि मुझे कढ़ी खानी चाहिए। ये विचार धीरे धीरे मजबूत होता चला गया। अगर ये विचार वहीं टूट जाता तो समाप्त हो जाता, वो विचार तोड़ नहीं पाया। सिद्धों के विचार टूट जाते हैं, संतों के विचार टूट जाते हैं, साधकों के विचार टूटना बहुत मुश्किल कार्य होता है, बहुत मुश्किल, हद से ज़्यादा, क्योंकि उनको विचार तोड़ना नहीं आता, रास्ता भी नहीं पता। संकल्प कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है। नहीं टूटा संकल्प, जब भी बैठे कढ़ी का ही विचार आने लगा। धीरे धीरे विचार इतना मजबूत हुआ, वो बैठे कढ़ी पकती हुई दिखाई देने लगी कि कढ़ी पका रहे हैं। फिर बैठे, फिर वही दिखाई देने लगी। साधु को बड़ा गुस्सा आया, महात्मा बहुत लोग बैठे हुए थे बाहर, नज़र एकदम फेरी और बाहर उठ करके चला गया। सब लोग देख रहे कि आज ये क्या हो रहा है, एकदम ये बाहर क्यों आ गए। उन्होंने कहा, आदेश महाराज जी, कुछ इच्छा है, हमें आज्ञा दीजिए कुछ। उन्होंने कहा, आप सब लोग कढ़ी बना करके ले आओ। उन्होंने कहा कि सब लोग कितनी कढ़ी ले करके आए। उन्होंने कहा, जितना भी ला सकते हो, मैं गांव के अंदर ही आऊँगा, कल कढ़ी बना लेना। उनको तो बस आदेश की इच्छा थी, भागे। जो जितनी कढ़ी बना सकता था, कोई एक पतीला उठा करके ले आया, कोई पॉकेट के अंदर ले आया, जो जितना ला सकता था अपने हिसाब से इकट्ठा करके पात्र भर भर के ले आए। महात्मा का इंतज़ार करने लगे कि महात्मा कब आएंगे, बड़ा आदेश हुआ है, बहुत दिनों बाद महात्मा जी ने कुछ मुख खोला है, कुछ तो इसमें राज होगा। महात्मा पूर्ण नहीं हुए थे, आए ऊपर से उतर करके। उन्होंने कहा, ये पूरी कढ़ी एक कढ़ाई के अंदर डाल दो, कमरे के अंदर कढ़ाई रख के, और सब के सब तुम बाहर चले जाओ। महात्मा ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया, पहले जितनी कढ़ी खा सकता था उतनी खाई, फिर जितनी नहीं खाई गई फिर खाई, फिर खाई, पूरी रात कढ़ी को खाता रहा। कढ़ी इतनी ज़्यादा हो गई कि उसकी उल्टियाँ भी लगने लगी, पेट भी खराब हो गया, हालत भी खराब हो गई, फिर भी महात्मा कढ़ी ही खाता रहा, खाता रहा, पूरा जोर लगा दिया और मन को बोल रहा, फिर मांगेगा कढ़ी, आज के बाद फिर मांगना कढ़ी, कढ़ी ने क्या हालत कर दी है तेरी। फिर जितनी खा सकता था खाई, फिर कढ़ाई के अंदर कूद गया कढ़ी की, और उसके अंदर पड़ा रहा पूरी रात,
एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, गांव के लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या हो गया, महात्मा जी को इतनी कढ़ी पसंद क्यों आ गई। कुछ रिवाज होते हैं कि अरे गुरु जी को ये चीज़ बहुत पसंद है, मैं भी ले करके चलता हूँ। परमात्मा ने बोला है कि जो कढ़ी चढ़ाएगा उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बस इतना कहना था कि भाग लिए लोग कढ़ी उठा उठा करके और लाइन लग गई कि अब मैं पहले कढ़ी दूंगा महाराज जी को, मैं पहले दूंगा। लाइन लगी हुई वहाँ महाराज जी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उठ करके दरवाज़ा खोला, बाहर आए, कढ़ी के अंदर बुरी हालत हो चुकी थी। लोगों ने देखा ये महाराज जी को क्या हुआ, उन्होंने कोशिश की रोकने की, पूछने की, कुछ भी नहीं बोले किसी के साथ। उधर नज़र दौड़ाई तो बाहर भी कढ़ी की लाइन लगी हुई थी। हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए, क्योंकि जो चीज़ पसंद नहीं आती वो गले में अटक जाती है, और महाराज जी को तो कढ़ी गले तो छोड़ो, सिर के ऊपर से भी अटक गई थी। तो वो छोड़ छाड़ करके भागे जंगल की ओर और फिर साधना शुरू की। मन ने दोबारा जीवन में कभी कढ़ी की ओर इशारा भी नहीं किया। मांगना तो दूर की बात था, मन में विचार भी नहीं उठा। तो जब आप मन के ऊपर पकड़ करोगे, मन को एक एक विचार का ध्यान करोगे, तभी आप उठ सकते हो। आप ये देखो, हीरा कैसा भी हो, अगर उसको रेत में डाल दिया जाए, कीचड़ में डाल दिया जाए, कहीं भी आप उसको डाल दो, उसकी कीमत कम नहीं होती। तो आपके अंदर जो आत्मा विराजमान है उसकी कीमत कम नहीं हो सकती। किसी भी शरीर के अंदर डाल दी जाए, स्त्री के अंदर डाल दी जाए, पुरुष के अंदर डाल दी जाए, जीवों के अंदर डाल दी जाए, उस आत्मा की कीमत कम नहीं हो सकती। बस हम लोगों को ये भ्रम होने लगता है कि इसकी तो कीमत चली गई होगी, ये तो कम कीमती है, ये ज़्यादा कीमती है, इसके अंदर ज़्यादा प्रभाव होगा, उसके अंदर कम प्रभाव होगा। ये हम लोगों का भ्रम है।